आप याद रखिए अभिनंदा जी, गंभीर परिणाम हो जाएंगे इसके, गंभीर परिणाम हो जाएंगे। बाहर कर लीजिए। कोई कहीं बैठा नहीं, भाई वीरेंद्र जी भी गए मुख्यमंत्री के सीट पे तो बैठे नहीं, सचेत करने के लिए गए। और जब पार्टी ने लिख करके दे दिया है तीन लोगों पर कार्रवाई का, तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? तीसरा सत्र हो गया और लगातार अटेंड कर रहे। आप बताओ, व्हिप का उल्लंघन किया है कि नहीं किया है? पार्टी ने चिट्ठी लिखा, लेकिन अब तक कार्रवाई क्यों नहीं? अगर कार्रवाई नहीं हो रही तो जहां दल बैठता है वहां वो लोग बैठे, यही बात है। आप मांग करके आप अलॉट भी कर दिए, लेकिन वो बैठ तो मंत्री लोग के साथ रहे। आपने जो अलॉट भी किया वहां नहीं बैठ रहे। और हमने ये भी प्रश्न खड़ा किया कि आप सर, कोई विधायक हमारे दल का अगर लिख के देगा तो आप नहीं तय कर सकते हैं? ये अधिकार नहीं है, ये दल का अधिकार है। द्वितीय वर्ष 2018-19 के वार्षिक प्रतिवेदन के एक एक प्रतिशत पर रखता हूँ। बिल के अंदर से कही गई कोई बात नहीं लिखी जाएगी ना सुनी जाएगी। अपने सामने जाइए। माननीय सभापति, पर्यटन उद्योग संबंधी समिति, आप याद रखिए अभिनंदा जी, गंभीर परिणाम हो जाएंगे इसके, गंभीर परिणाम हो जाएंगे। बाहर कर लीजिए, बाहर करिए, बाहर करिए। विश्वास भी है कि इन चीजों को जो है वो देखने का वार्षिक प्रतिवेदन के एक एक प्रतिशत से पहले भी विधानसभा चालू होने से पहले भी जो मीटिंग हुई कोई बात नहीं लिखी संचालन को लेकर विधानसभा को अपने सामने जाइए कि कैसे किया जाएगा। तो उस मीटिंग में भी हमारे जो सचेतक थे लिखित रूप से अध्यक्ष महोदय को भी दिया। और कई बार हर सत्र में जो है हम लोगों ने अध्यक्ष महोदय को पत्र लिखा, सचेत किया, या उन बागी विधायकों के खिलाफ जो है सदस्यता लिया जाए उसकी कार्रवाई की भी मांग हम लोगों ने, लेकिन अब तक जो है कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। लोग उधर बैठे हैं, ये तब तो कोई भी नहीं बैठ सकते। वर्ष 2018-19 अगर ऐसी स्थिति चले पक्ष विपक्ष मंत्रियों का सब मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष सबका सीट अलॉट है, तो कोई भी कहीं जाकर के बैठे। जब पार्टी ने लिख करके दे दिया है तीन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? सत्र हो गया, ये तो कहीं ना कहीं से दिखाता है ना कि भाई एक एक तरफा ही जो है देखा जा रहा है, नियम से नहीं चल रहा, सरकार जो है नियम से ऊपर हो गई है। तो आज हमारे विधायकों में बहुत रोष था इस चीज़ को लेकर, तो ऐसी बात है तो कोई भी कहीं नहीं बैठ सकता। तो सरकार का आंख खोलने के लिए बिल के अंदर से कही गई कोई बात नहीं, भाई ऐसा है तो हम लोग भी जाके बैठ जाए। अपने सामने जाइए। तो आंख सिर्फ खोलने के लिए सचेत किया। माननीय सभापति, कोई कहीं बैठा नहीं, भाई वीरेंद्र जी भी गए मुख्यमंत्री के सीट पे तो बैठे नहीं, सचेत करने के लिए गए। कायदे से नियम हाउस जो है चलेगा, तो ये कार्रवाई तो हम फिर बाद में स्पीकर महोदय से बोले, सर आप गार्जियन हैं, आप कस्टडियन हैं, सीनियर लीडर हैं, अनुभव आप करा है, हमको आप पे पूरा विश्वास है। तो उन्होंने कहा कि हमें सीट अलॉट कर, वो विधायक चाहते थे कि कहीं और हम बैठे, तो हमने बोला कि दल तय करेगा कौन कहाँ बैठे। अभी वो राष्ट्रीय जनता दल में, या तो आप कार्रवाई करो, सदस्यता हटाओ, हम नेता महागठबंधन के, हम तय करेंगे। आप याद रखिए प्रियंका जी कि कौन कहाँ बैठे। कोई विधायक कहीं भी लिख करके अध्यक्ष को दे देगा और उसकी अनुमति मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। वो पार्ट ऑफ द दल है, तो दल का मतलब क्या रहेगा फिर? तो इस पे तो मात्र तीन ही है वो लोग, तो पार्टी चाहती है तो कार्रवाई होती है, सदस्यता जाती है। व्हिप का उल्लंघन उन्होंने किया है, आप बताओ व्हिप का उल्लंघन किया है कि नहीं किया है? पार्टी ने चिट्ठी लिखा, लेकिन अब तक कार्रवाई क्यों नहीं? कोई बात नहीं लिखी जाएगी ना सुनी जाएगी। भाई पार्टी निकालेगी तो आप विधायक से थोड़ी हटा दीजिएगा, तो सदन में लिख के हम दे सकते हो। तो अध्यक्ष को पावर है ना सदस्यता हटाने का, जो नियम है, जो प्रोसेस है, उसी को ना हम लोग फॉलो करेंगे। हम तो लिख करके दिए हैं कई बार, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर कार्रवाई नहीं हो रही तो जहां दल बैठता है वहां वो लोग बैठे, यही बात है। बहुत बहुत भैया, विधानसभा के कैंपस के अंदर या विधानसभा के अंदर कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं चलता है। बिल के अंदर से कही गई कोई बात नहीं लिखी जाएगी ना सुनी जाएगी।
उन्होंने ये बोला कि हमने उनका कहीं और सीट मांगे थे लिख करके दे दिया। हम बोले आप मांग करके आप अलॉट भी कर दिए लेकिन वो बैठ तो मंत्री लोग के साथ रहे। आप याद रखिए आपने जो अलॉट भी किया वहाँ नहीं बैठ रहे। और हमने ये भी प्रश्न खड़ा किया कि आप सर कोई विधायक हमारे दल का अगर लिख के देगा तो आप नहीं तय कर सकते हैं, ये अधिकार नहीं है, दल का अधिकार है। जहाँ दल के एक साथ लोग बैठेंगे सब साथ ही बैठते हैं।